And now welcome back to another exciting episode of Time Out with Ehsan Khan. Assalamu alaikum. Kaise hain aap log? Khairiyat se hain. I hope you guys are enjoying your life and enjoying my show Time Out with Ehsan Khan. Jab ek research maine kahin padhi jo main aapke saath share karna chahta hu. वैसे मुझे थोड़ी हैरत हुई, थोड़ी लेट होगी. यानी लेट होगी से मतलब कि लेट पड़ी मैंने कि खवातीन का दिमाग आदमियों के दिमाग से 10% छोटा होता है. कमाल हो गया. अब आप ये ना बोल देना सोशल मीडिया पे कि ऐसे ने बोला कि औरतों का दिमाग 10% छोटा. मैं साइज की बात कर रहा हूं, इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा. साइज में छोटा होता है, इंटेलिजेंस में तो शायद मुझे ऐसा लगता है खवातीन का दिमाग ज्यादा चलता है. और जनाब हैरत की बात तो ये है कि औरतों को, खवातीन को चेहरे ज्यादा देर तक याद रहते हैं और आदमी चेहरे जल्दी भूल जाते हैं. और एक और बात भी है कि जब आदमी से कोई बात की जाए तो उसको वैसे ही सुनाई देती है और वैसे ही याद रहती है जैसे वो की गई हो. लेकिन ख्वातीन अपनी इमोशन, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करती हैं और उस बात का रंग कभी कभी बदल भी जाता है. वैसे ये तो काफ़ी हद तक होता ही है. अच्छा, एक और चीज़ आपने ये सुना होगा और देखा भी होगा कि मर्द हजरात हार्ट अटैक से ज़्यादा चले जाते हैं दुनिया से, औरतों को जरा कम होता है. दे हैव अ स्ट्रॉन्गर हार्ट. एंड यू नो व्हाई डू दे हैव अ स्ट्रॉन्गर हार्ट? बिकॉज व्हेन दे आर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड दे नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट, बिकॉज ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का. तो जनाब सलूट है तमाम खवातीन को जो हमें देख रही हैं सामने. और जब हम खवातीन और हजरात की बात करते हैं तो आज हमारे पास एक पावर कपल है, जबरदस्त कपल, खूबसूरत तरीन कपल, जो ऑन स्क्रीन भी खूबसूरत है, ऑफ स्क्रीन भी खूबसूरत है. अगर वो कभी आपकी स्क्रीन से गायब हो तो आपको सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करते हुए नजर आएंगे. उनकी फॉलोइंग डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, बल्कि अभी तो कोई रिकॉर्ड जो कायम हुआ कि पाकिस्तान में मोस्ट फॉलोड कौन है तो उनमें ये भी शामिल हैं. दे आर ब्यूटिफुल पीपल, दे आर लवली पीपल, दे आर वंडरफुल एक्टर्स. आप इनको ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स में देखते रहेंगे, ज़बरदस्त कामों में देखते हैं. इनकी हर चीज़ वायरल हो जाती है, यहाँ तक कि शादी की एक एक वीडियो वायरल थी भाई. तो आज पूछेंगे कि ये इतना वायरल होने के पीछे इनका अपना हाथ है या मीडिया का हाथ है. ब्रेक एक लेंगे, आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं. आपको मिलवाएंगे उनसे ब्रेक के बाद. छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. जनाब कैसे हैं? वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. क्या हुआ, मैं ज्यादा खुश लग रहा हूं आज? वैसे ज्यादा खुश इसलिए हूं कि आज जरा सेट पे मुझे कुछ बड़ी पॉजिटिव किस्म की फील आ रही है. एक ऐसा कपल हमारे साथ मौजूद है जो बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्यारा कपल है. आई कॉल देम अ पावर कपल बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड दे सच ग्रेट पीपल. Whenever you talk to them, जब भी आपने बात करनी हो, जब भी आप मैसेज करें, instant response, instant बातचीत. और वो आपको ये लगता है कि यार ये बड़े प्यारे लोग हैं. तो और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऑन स्क्रीन भी प्यारे हैं और ऑफ स्क्रीन भी प्यारे हैं. वैसे कम नहीं होते, काफ़ी लोग हैं ऐसे, लेकिन ये कपल ज़बरदस्त है. और आई ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर देम, आई ऑलवेज विश अ लॉट ऑफ लक टू देम बिकॉज दे डिजर्व इट. तो जनाब बगैर किसी गैप के बुलाते हैं एमन और मुनीब. थैंक यू. कैसे हो आप? हैव अ सीट, हैव अ सीट. थैंक यू फॉर दिस. क्या हाल है? प्लीज बैठे. अस्सलाम वालेकुम. मैंने कहा शायद तू हाथ पाथ नहीं मिला रहा तो इसलिए मैं दूर से.
यूं कर रहा था। पहला शो है जिसमें आपने ईमन को मुझसे दूर बिठा दिया सामने बिल्कुल। आते से मैंने इसको बोला कि भाई आप यहाँ बैठेंगे और वो वहां बैठेंगे, हम दूर दूर बैठेंगे। कहा अभी तो साथ साथ आदत हो गई है ना मनीप को, ऐसा तो नहीं बहुत बिजी रह रहे हैं और ये दूर दूर, क्योंकि ये अलग आया था। नहीं नहीं आई थिंक आदत ज्यादा हो गई। अब मनीप मेरा ट्विन है 2 साल से, पहले मनाल थी ना ये साथ, दोनों साथ साथ रहते हैं जी। अच्छा मनीप को घर, मतलब ऑब्वियसली ही इज अ फैमिली गाय, तो घर में टाइम, अच्छा बेबी भी तो है ना इतनी क्यूट यार, तो वो टाइम ज्यादा घर में स्पेंड होता है मुनीब? घर में हाँ, मुझे जब शूट नहीं होती तो पहले शादी से पहले फ्रेंड्स होते थे, अब फ्रेंड्स वगैरह सब खत्म हो गए हैं, बस फैमिली फैमिली फैमिली। यार वैसे ये होता है, लेकिन एक स्टेज के बाद जाके ना, जब थोड़ा सा व्हेन किड्स स्टार्ट ग्रोइंग अप एंड देन यू रियलाइज कि आपने तो अपने सारे फ्रेंड्स जो है वो लूज कर लिए यार, आप पिछले 10 साल से मिले ही नहीं है, फिर वो भी आपको लिफ्ट नहीं कर, ऐसा नहीं होगा? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता। ये सोशल है या ऐसे बस बोल रहा है? कम सोशल है, वीक में एक दफा। अच्छा, इसने किस मौके पे मना किया कि अब काम नहीं करना फील्ड में? अरे भाई मैंने नहीं मना किया सारी फैमिली से मेरे पीछे मना नहीं किया मुझे यार, लगता है ये देखो अभी मुझे कुछ और बोल रहा था, अब कह रहे नहीं नहीं मैंने मैंने कर अभी आप मुझे कुछ और बोल रहे हो, मुनीब भी जवाब देंगे, आपको लगता है मुनीब भी जवाब देगा? जवाब देगा, देखो उसने भी बोला कि मैं जवाब देंगे। देखिए मैंने कभी भी एमन को मना नहीं किया और मैं बहुत ये मेरे लेट आने का ये नुकसान हुआ है ना थोड़ा सा, हां ना अब पहले बातें हो गई थोड़ी सी। नहीं मैंने कभी भी नहीं, चॉइस नहीं, क्योंकि मुनीब अपनी हर स्टोरी का हीरो होता है। हां चाहे वो झूठी भी हो, कोई भी बात हो होगी तो ही इज द हीरो। यार अब आज किस्सा बता रहे हैं तो उसे मसाला तो लगाना, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई कुछ भी हो, दूसरे बंदे ने अगर कोई हीरो एक्ट किया ना, लेकिन मुनीब अगर वहां मौजूद है तो ही इज द हीरो। भले हम टाइम आउट विद एहसन खान में हैं, लेकिन हीरो मेरा शौहर ही है। देखो हीरो तो अच्छा, जो हीरोज होते हैं ना उनको असल जिंदगी में भी हीरो बनने का एक शौक होता है, और वो जो हम बचपन से एक सोचते आते हैं ना वो फिर ख्वाब पूरा होता है। मुनीब को है काफी बहुत बहुत, मुझे लगता है कि जब से शायद मुनीब को सेंस आया तब से ही सेंस इज अ हीरो। पहले ये नॉनसेंस था यार, नहीं जब छोटे बचपन में होते हैं ना आपके, पता नहीं होता बचपन में तो मैंने भी बोला था मुझे टीचर बनने मुनीब नॉनसेंस, मैं कभी नॉनसेंस नहीं, मुझे लगता है जब तक मुनीब छोटा बचपन में आप सोचते हैं ना बड़े होके क्या बनना है, तो फिर उसके बाद जब नहीं नहीं पहले ही वाज अ पुलिसमैन, ही वांटेड टू बी अ कॉप। आई वांट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ कॉप बचपन से। अच्छा हमारे बच्चों के ज़हन में ये होता है, लेकिन वो भी हीरो ही है ना, कॉप भी हीरो है, कॉप इज़ आल्सो अ हीरो, यू नो ही इज़ अ हीरो, इनडायरेक्टली इज़ अ हीरो। कूल, दैट्स आई डिडंट नो दैट, दैट्स कूल। अच्छा जब इसको पहली बार मिली मुनीब को, तो इसी हीरोपन की वजह से ही? यार मैं ये तो कह रही हूँ कि असली हीरो होना चाहिए था सामने। यार, I don't believe this. नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ। अब तुमने स्टार्ट कर दिया, फिर मैं भी खुल जाता हूँ। अब भाई और रोक। हम घर से सोच के आए थे कि हम दोनों एक दूसरे की मैं बताऊँ मुनीब, मेरी कुछ दिनों पहले डील हुई है कि मुनीब ने मुझे बिल्कुल नहीं चिढ़ाना, चाहे मैं कुछ भी कहूँ आगे से मुनीब ने कुछ भी नहीं कहना, ये हमारी डील आज भी कायम है। तो अब तुम आजमा रही हो कि कितना मैं इसको। अच्छा दूसरा एक और चीज ये है कि मैंने और एमन ने प्लान किया कि आज जरा मुनीब के जो है ना वो खुल खुला के हम बातें करेंगे। मेरी प्लान ये किया कि आज मेरी जिंदगी वैसे खुली किताब है यार, मेरी जिंदगी खुली किताब है। आप जो नहीं इतनी ये वाली बातें मैंने पहले नहीं सुनी। वो आप पहले पेज पे थे किताब के, ये आखिरी पेज है। आखिरी पेज नहीं नहीं आखिरी नहीं अभी। अच्छा मुनीब में शादी के बाद चेंज आया कुछ? पंकज उदास था, मैं क्या हमेशा से खुश था भाई, शादी के बाद और हैप्पी हो जाता है, और हैप्पी, लेकिन मैं हमेशा से खुश रहने वाला, मुझे लगता है कि मुझसे शादी करने के बाद मुनीब इज वेरी हैप्पी। मैं भी सुनता ये तो तुम मुझसे पूछो। मैं ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती, नजर आ रही है तुम्हारी हंसी से हाउ हैप्पी यू आर। नहीं ये तो इनएविटेबल है, व्हेन योर किड्स आर स्मॉल और शादी को बहुत टाइम ना हो तो टाइम, अगर आप पहले से भी एक दूसरे को जानते हैं, यू गाइस ऑब्वियसली लव्ड ईच अदर, इट्स अ लव मैरिज, बट शादी के बाद एक आप यू कम आउट एज अ न्यू पर्सन, मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग और चाहिए होती है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही। क्या बोलेगा मुनीब? शादी जब चलती ही जो है वो अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, ये 3-4 एलिमेंट्स होते हैं। तो सैक्रिफाइस पे इतना जोर दिया, तो सैक्रिफाइस दे रहा है तू? सैक्रिफाइस हो बहुत बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस, मतलब
जो एक इससे पहले शादी से पहले की जो लाइफ थी उसमें सोशलाइज करना इधर दोस्तों में ये वो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी आप कम हो जाता है ट्रिप्स पे जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ वो सब चीजें पे जा लड़कियों को देखना बच्चों को देखना इधर उधर नजरें घुमाना नहीं वो अलाउड मैंने अलाउ किया मैं हां इट्स ओके करेगा ही व्हाट अ कूल वाइफ शी इज यार इसको तालियां भरोसा दिया यार आपस में हम कहीं जा रहे होते हैं खूबसूरत लड़की आ गई तो उसको हम देखते हैं कितनी खूबसूरत लड़की यार जा रही है देखो कितनी प्यारी है हम आपस में हम अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी उसको पता है यार शरीफ आदमी है मैक्सिमम क्या कर लेगा देखिए अल्लाह की दौड़ मस्जिद तक होता है ना अब देख के फारिग ये वाला मुनीम ने आजकल मुझे बहुत ये चीजें सिखा दी हैं इस तरह की बातें मुझे लग रहा है एमन ने ना जो काम नहीं किया ना तरह से स्क्रीन पे कम करवा रही है एमन के पास अब ज्यादा अल्फाज जमा हो गए बोलने के लिए वो मैं सिखाता रहता हूं ना सारी बातें ये सारे मुहावरे हम बोलते हैं कि तुम ना शादी के बाद मुनीम की तरह बात करने लग गई हो मतलब अपनी चीज मनवा के रहना और बताना नहीं डिबेट करना हर चीज पे कि हाँ जी ये सही है इसको होना चाहिए मजाक करना मस्तियां करना पहले मैं थोड़ी सी नहीं करती थी हां अब जरा खुल हां ये अच्छी बात है मुनीम ने मुझे जोक्स सिखाए थोड़े पहले मैं इतने ज्यादा जोक्स क्रैक करता था इसके ऊपर मैं शादी से पहले बुरा नहीं मानती थी शादी के बाद एक जोक क्रैक किया और बस उसके बाद एक घंटे तक मनाते रहो हाँ ये वो स्टेटस चेंज हो जाता ना प्रमोशन होती है अब वो मजाक नहीं रहा वो चढ़ाना बन गया है गर्ल से या एक दोस्त से आपकी बीवी बन गई तो भाई बीवी को ऐसे नहीं बोलना बीवी बनते के साथ ही जो खवातीन में ऐसा चेंज आता है मतलब वही जोक्स जो मैं 3-4 साल से सुन रही हूँ मैं कहती हूँ बस तो मैं और क्या मतलब मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूं मैं कहां से जोक्स लाऊं नए जो जोक्स है उन्हीं को ऑल्टर करके थोड़ा बहुत सुनाऊं नया निकाल भाई कुछ नया क्या क्या गूगल पे सर्च करूं जोक्स ऑफ 2021 अच्छा एक बात शादी से पहले जब ऑब्वियसली लड़की बीवी के स्टेटस पे नहीं होती लेकिन आपकी दोस्ती होती है और तब वो आपकी सारी बातें सुन भी लेती है और आपको उस तरह से लेकिन जैसे आपको किसने बताई ये बात कि सुन लेती है हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस हो ऐसा ये हाँ लेकिन जैसे ही बीवी अगर बनती है तो फिर थोड़ा सा रोब और दबदबा आ जाता है लड़कियां हमेशा से रोबदार होती हैं लोग कहते हैं कि मेल डोमिनेंसी ज्यादा लेकिन मैं आपको बताऊं शहरों के अंदर जो औरतें हैं वो ज्यादा डोमिनेंट हैं घर के अंदर घर के मामलात में आप बेगम से लड़ नहीं सकते आप उसको बोल नहीं सकते कि ये नहीं ये होना चाहिए ऐसा ही है बेगम का डिपार्टमेंट है आई थिंक हां घर में तो बेगम की घर में औरत डोमिनेंट है भाई लोग कहते हैं घर में भी ना चले बेचारी की तो कहां चले यार नोट कर नहीं घर में भी ना चले फिर बाहर भी चलनी चाहिए बाहर भी चलनी चाहिए यार कभी-कभी नहीं अक्सर मिक्स एंड मैच मतलब हर शादीशुदा शरीफ आदमी जो है वो बेगम से डरता है मैं आपको बताऊं ये हर शादीशुदा शरीफ आदमी पोर्टर कर दिया है जहां बेगम ने बोला कि ये होना है तो फिर वो ही होना है बंदा बोलता है यार ज्यादा घंटा लड़ना पड़ेगा कौन ये चिक चलो मान लो यार कौन ये चिक चिक करे यार चिक करे यार मान लो यार ऐसी भी चिक चिक वाली नहीं है मान लो बात इतनी चिक चिक होती है ऐसे छोटे छोटे एक अभी तो 2 दिन पहले लड़ाई हो गई किस बात पे हम एक मूवी देखेंगे हम आईपैड पे देखेंगे मेला नहीं मैं टीवी पे देखूंगा टॉपिक पे लड़ाई हुई है इतनी ज्यादा इस बात पे लड़ाई हुई है मैं बोल रहा हूं नहीं हम टीवी पे देखेंगे और ये बोली नहीं हम आईपैड पे देखेंगे मैं बोल रहा हूं एमन हमने मूवी देखी है यार मूवी में भाई तू मान जाता कि भाई ठीक है आईपैड मान गया ये क्या 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद मान गया देखी किस पे आईपैड पे टीवी आईपैड पे जीत गई ना लेकिन पता है फिर मैंने सोचा मैंने कहा यार चलो आदि बड़ा घर में टीवी लगा हुआ साथ उसके सिनेमैटिक मैंने मुनीम को सिर्फ इतना बोला मैंने कहा मुनीम छोड़ के एंट्री हमने लगाई और हम आईपैड पे मूवी देख रहे हैं व्हाई कोई बात नहीं ऐसे ही अच्छा बस क्या वैसे ही बस मैंने कहा नहीं मुझे इसी में देखनी है पूरी करनी थी कोई बात नहीं यार कभी कभी चलता है छोटी छोटी खुशियां होती हैं किसी काम नहीं आ रहा वो ऐसे रखा हुआ कि अमल को भी हम नहीं देते फोन वगैरह मैंने कहा यार मैं क्या करूं मुनीम तुम मेरे साथ इसमें मूवी देखो एटलीस्ट मुझे फील तो हो कि मैंने कुछ लिया है सही है सही फील अच्छा घर के कामों में मुनीम जरा हाथ बटाता है या कुछ करता है घर के कामों में मुनीम को कुकिंग करने का बहुत शौक है मेरे लिए मुनीम का मुझे भूख लगती है तो कभी अंडा भी बना देता है के 4 बजे भी टाइमिंग का भी हाउ स्वीट इज दैट 4 बजे सुबह के 6 बजे सुबह के 4 बजे मतलब रात को जैसे मूवी हमने स्टार्ट किया 3 बज गए 4 बज गए अब उसके बाद भूख लग गई
तो उस पे भी मैं एमन को बोलता हूँ तुम बैठो रिलैक्स करो मैं तुम्हें बना के ला के मुझे लगता है 12 बजे रात में बना देते हैं कभी अभी तो फिश बना के दी थी याद है अभी स्नैप अपना सैमन मुनीम ने मुनीम बहुत अच्छे खाने में इस तरह की बटर सॉस में सैमन ऐसी बना के दी बेगम तो खुश हो गई बड़ा एक्सपर्ट आदमी है यार ये तो बेगम से क्या बनवाया तुमने बेगम कुछ भी बना ले बस आंख बंद करके खा लेते बेगम के हाथ तक कुछ ऐसा नजर नहीं आता तुम्हें खाना प्लेट में प्रेजेंटेशन ऐसी होती है बंदा बोलता है बस आंख बंद करके मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूं और मुनीम के लिए बनाती हूं स्पेशली बस क्योंकि उसका फेवरेट है इतनी चिकन कढ़ाई खा लूंगा मैं कढ़ाई पॉजिटिव अब चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई नहीं बनेगी ओके हर दो दिन बाद तुम लोग क्यों चिकन खाते हो या तो मुनीम को नहीं मुनीम क्या खाता है चिकन कढ़ाई दलिया सैलेड या फिर फिश तो फिर चिकन में ज्यादातर वो यही बनेगा ना जो हाँ स्टीम्ड फिश बंदे ने ना रोटी खानी है ना चावल में क्या बनाऊं ये भी तो है ना कॉम्प्लिकेशन बहुत बड़े मसाइल हैं अच्छा मुझे ये बताओ बच्चे के लिए चलो ही इज अ वेरी लविंग फादर आई नो दैट बट वो पैंपर बदलना कभी बोला इसको जान के कभी के ये कर लेता है खुद से बोला भी नहीं है मैंने वैसे अगर मैं कभी मैं बीमार हूं या मैं थकी हूं सो he does that sula deta hu main sula bhi deta hai kabhi aisa hota hai obviously yaar wo to ek attachment sula diya ya kabhi agar ko change kara diya jaise pamper bhi badalna hai to bhi badal de koi masla acha wo zyada attached kis se dono mein se maa se dono se aiman se zyada thodi se aiman kyunki uske bilkul saaf saaf thi baat but yes aiman jo hai na wo bilkul mera apna manna ye hai ki bacche क्योंकि मैं खुद बहुत रफ एंड टफ पला हूँ चोट भी लगी है गिरे भी हैं मतलब हाथ में भी लग गई कभी सर तो बच्चे जो है वो रफ टफ पलते हैं ना तो ज्यादा वो बेहतर बच्चे जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं ठीक है मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने चलते हुए बच्चे को गिरा दिया लेकिन बच्चों को पालो रफ टफ पालो बच्चों को कि मतलब थोड़ी बहुत अगर ओवर पैम्परिंग या ओवर ओवर हर चीज मुझे भी इस बात पे थोड़ा सा वो होता है बच्चे को अगर भाग रहे हैं तो माएं थोड़ा सा ये करती हैं कि ओ यही तो कह रहा हूं आजकल की खास तौर पे आजकल जो मदर्स है ना वो बहुत ज्यादा बच्चों को करने लगे छोड़ो बच्चों को खेलने तो यार गिरेंगे तो क्या हो गया हम भी गिरते हैं ऐसा नहीं है ऐसे ही हल्की हल्की चोट लग गई ना फिर मैं कहती हूँ मुनीम देखो कोई बात नहीं डांट के वक्त डांट छोटी भी है तो मैं डांट भी देती हूँ उसे मतलब शी अंडरस्टैंड्स कि मैं उसको कुछ समझाना चाह रही हूँ बात यह कि अगर बच्चा सामने से गिर जाए और उसको ज्यादा भी चोट लग सकती है तब तो फिर थोड़ा सा देखना है इसलिए मैं थोड़ी केयरफुल हूँ अगर मेरे को कोई चोट लग जाए तो मुझे लगता है मुझे लग गई अमल कम रो रही थी एमन ज्यादा रो रही अमल अपनी चोट भूल के मामा मामा मैं मेरे पूरे कपड़े मैं अमल मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको चुप कराऊं इसको चुप कराऊं या इसको बोलना एमन तुम तो चुप हो जाओ मैं एक को देखूंगा ना एक टाइम पे यार मतलब अमल को लेके जो है वो बहुत ज्यादा असल में एमन ने जितने भी ड्रामे किए उसमें एमन के सारे जो कैरेक्टर्स उसमें इतना रोई है कि अब वो रोने की आदत पड़ गई आंसुओं की जो है ना वो लाइन बिल्कुल वीक हो गई वो जैसे कोई छोटा मोटा इवेंट आता है वो आंसू निकल आते हैं नहीं आई एम वेरी इमोशनल हर चीज में ऐसी बात नहीं है अच्छा इसीलिए ड्रामे भी ऐसे वो सही कह रहा है ड्रामे किए रोने धोने वाले किए ना ज्यादा अरे हर ड्रामे में हीरोइन कोई ड्रामा ही ऐसा नहीं होता जिसके अंदर हीरोइन जो है वो करीबन कोई 1.5-2 kg उसके आंसू तो निकलते हैं पूरे 25 1.5-2 kg आंसू निकालने हर दूसरे सीन में रो रही है लेकिन हिट भी होता है वैसे ड्रामा भाई आंसू इज इक्वल टू टीआरपी यार आंसू इज इक्वल टू टीआरपी आपको नहीं पता गुड आइडिया वैसे हां अच्छा ऐसे चलते हैं ऐसे चलते अच्छा करियर की बात अगर करें तो कितना मतलब काम में एंजॉय कर रहे हो क्या काम आजकल क्या हो रहा है किस तरह यार अभी मेरा रिसेंटली प्रोजेक्ट पैक हुआ है कल ही उसका लास्ट डे था करार वो ऑन एयर भी है फिर एक और मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है अपना मुझे विदा कर वो यार वेब पे चलेगा उसके बाद अब साइन करूंगा कुछ अभी तो हैंड चल रहा काम अच्छा एंड यू डोंट प्लान टू वर्क फॉर हाउ मेनी इयर्स यानी कितने साल अभी नहीं करना और काम अभी तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ बिकॉज़ आई थिंक इट्स ये वो टाइम है माय मेबी माय किड नीड्स ऑफ कोर्स लेकिन दो तीन बच्चे जब हो जाएंगे उसके बाद फिर जब मुझे लगता है टाइम टेकिंग बहुत है दो तीन बच्चे नहीं ये तो मुझे बोल रहा था मैंने 5-6 तुमने क्या क्या बताया मुझे तो बता दो मैंने कुछ भी नहीं बताया ये सब सेल्फ अजम्पशन से मैंने कुछ भी नहीं कहा मैं इतनी देर तो नहीं लगी कि इतनी गॉसिप हो गई मेरे पीछे लगी आधा घंटा मेरे साथ एसएन भाई के खुद भी दो तीन बच्चे ना तो ये बस
सबको मोटिवेट करते हैं। मैं तो आई लव किड्स यार, मैं तो कहता हूं तीन भी थोड़े हैं मेरे ऑनेस्टली। किड्स आर, अगर आप अच्छी परवरिश कर सकते हैं। अब अमल बड़ी हो गई है, बाकी टाइम नहीं पता चलता, डेढ़ साल की होने वाली है। डेढ़ साल, डेढ़ साल की एरिया बड़ी होगी अब, बाकी एक नया मतलब नहीं अभी। अच्छा, मैं चाहती मैं अपना पहला बेबी एंजॉय करूं बहुत ज्यादा। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, मुनीब की एक्टिंग कितनी अच्छी लगती है? अच्छी लगती है, जहाँ अच्छी नहीं लगती मैं मुनीब को पॉइंट भी करती हूँ। सबसे बड़ा क्रिटिक जो है वो एमनी है। मुझे लगता है कि हाँ, कोई तो एक बात, जैसे मैंने कभी जब भी काम किया ना, तो मुनीब से भी, मुनीब तो खैर मम्मा हमें बचपन से देख रही हैं, अगर मैं कोई गलत सीन किया या कुछ गलत बोला या मेरा एक्सप्रेशन ठीक नहीं, तो उन्होंने हमेशा मुझे नोट करके बताया, सो आई डू इट राइट नेक्स्ट टाइम। सो मैं मुनीब का अगर कभी कोई ड्रामा देख रही हूँ तो आई टेल हिम कि नो मुनीब, इस तरह नहीं होना चाहिए था, ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए। सो हम ये डिस्कशन करते हैं। ये बड़ा फायदा हो जाता है यार, अभी घर में ही एक तो एक्टर, बहुत सारी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो मैं एमन से ही डिस्कस करता हूं कि एमन ये स्क्रिप्ट है, ये कहानी है, इसकी ये कहानी है, इसमें ये हो रहा है। सो यू थिंक इट्स वर्किंग, ये मतलब चीज कॉम्बो वर्क करता है? बिल्कुल ऐसा है, जबरदस्त है ये तो। फ्रेंडशिप होनी चाहिए ना, फ्रेंड्स। हां, दोस्ती में एक सजेशन आपको मिल जाता है एक अच्छा, लेकिन फिर बात ये है कि बंदा सजेशन उसको देता है जो इस चीज पे यू नो काम करता है। मुनीब ऑलवेज डू इट कि अगर मैंने कुछ कहा है तो लाइक हाँ कि हाँ ठीक है तुम कह रही हो तो सही है, हाँ नहीं करता प्रोजेक्ट या ये कैरेक्टर नहीं करता दूसरा। तो मैं इवन की बात को इंपॉर्टेंस देता हूं, ये कहना चाह रही हूं। हां बिल्कुल, वो तो लग रहा है मुझे, पता लग रहा है मेरी एक सेंटेंस में पूरी बात कह दी। हां, इतनी लंबी बात थी, मैंने नॉर्मल एक सेंटेंस में खत्म कर दी। आए हां जी जी जी, क्या बात है, किस इंपॉर्टेंस, ये तो बात है, मुख्तसर और पुर असर जुमला, क्या बात है। ड्रामे कर करके हमारी उर्दू ऐसी हो गई, अच्छी हो गई है ना, और पुर असर जुमले में दो अल्फाज में बात कह दी गई। ये तो वाह, क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ, सोशल मीडिया की फॉलोइंग में शुरू में या जब भी शुरू हुई तो अंदाजा था कि इतनी फॉलोइंग हो जाएगी, एंड इज इट ऑब्वियसली इट्स कुछ चीजें प्लान नहीं होती, बट उसके लिए बाद में कुछ प्लान किया या वो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से मतलब कि नेचुरली बस? यस, ये बात मैं बोलना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक है। पहली बात ये जरूरी है बताना, इस बात पे तो मैं इतना हंसती, मैंने कहा यार क्या बातें करते हैं, बात ही हो रही है यार इससे तो। अच्छा कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स आते हैं। नहीं, मैं सोचती हूँ जब मैंने आज से आई थिंक 5 years या 6 years पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, जब शायद मैं एक्टिंग में बिल्कुल न्यू थी, मैं कमर्शियल्स करती थी, वो मैंने ये सोच के नहीं बनाया था कि इट्स जस्ट लाइक अ प्राइवेट फेसबुक आपका होता है ना, बच्चे होते हैं बना लेते हैं, जगह जगह अकाउंट्स बने होते हैं। मैंने तब इंस्टाग्राम बनाया, तब आई थिंक इंस्टाग्राम पे बहुत कम लोग थे, कम यूजर्स थे, वो इतना फेमस नहीं था। अब जब देख रही हूँ इतनी जल्दी जल्दी सब बढ़ रहा है, और कभी भी मैंने इस तरह नहीं कि यार ये मेरे इंस्टाग्राम के लिए है कंटेंट, या नहीं आज मैंने ड्रेसअप होना है पिक्चर लेने के लिए। मैं कभी कभी खोलती हूँ, मेरे पास तस्वीर ही नहीं होती अपलोड करने के लिए, यार क्या लगाऊँ क्या लगाऊँ, लोग कह रहे हैं पिक्चर्स लगाएं, कुछ भी नहीं होता, बिकॉज आई डोंट वर्क फॉर इट, ये सब कुछ हो खुद ही हो रहा है लोग नेचुरली। बस मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट एमन ने मुझे बना के दिया था, उस वक्त एमन के कुछ 600-700 के उस वक्त फॉलोअर्स थे जब मैंने नया अकाउंट बनाया था उस वक्त, तो एमन की हमेशा से फॉलोइंग जो है वो सोशल मीडिया। अच्छा, ऐसा है कि जब दोनों बहनें इकट्ठी होती हो तो ज्यादा पीपल लाइक इट मोर तस्वीरों में? हां, दे लाइक इट, उनके लिए फैसिनेटिंग होता है ना दो शक्लें, पहले आई थिंक होता होगा ज्यादा, अभी भी होता है? नहीं, अभी भी है, अभी भी लोग बना रहे, मुझे देख के हो जाते हैं ट्विंस, क्योंकि एक ट्विंस वाला है ना, एक जैसी शक्लें, अब शायद चेंज हो गए, हम बड़े हो गए, बचपन में तो हम बिल्कुल सेम थे। नहीं, यू स्टिल, मुझे तो बताना ही मुश्किल होता है, कि एक राइटर ने, उन्होंने भी कहा था कि हम, मैं तुम दोनों के लिए जो है ना स्क्रिप्ट लिखता हूं, स्क्रिप्ट लिखूंगा, आप दोनों कह रहे हैं, ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यार ये, बड़ा इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी मीनवाइल हमारी थोड़ी थोड़ी शक्लें अब चेंज हो गई हैं, क्योंकि जो कभी कभी देखते हैं, यानी जैसे मैं अचानक से देखूंगा, तो मैं इनको जब भी मिला तो मैंने पहले पूछा कौन सी वाली हो, यानी मुझे बिल्कुल दो चार दफा जब मुलाकात हुई, सब आप देख लें जो मेरे साथ है वो इमन है। नहीं यार, के साथ होगी तो इमन होगी। अभी भी मैं कहीं, मैं टीवी पर नहीं हूँ इतने टाइम से, लेकिन मैं कहीं मॉल वॉल जा रही हूँ, मिनाल नहीं है और मैं हूँ, और कोई उसके ड्रामे की मुझसे तारीफ करते थे, ऐसे यस थैंक यू, क्योंकि वो मिनाल समझ रहे होते हैं मुझे, वो तो खुश हो ही जाते हैं ना कि जी मैं मिनाल से मिल रही हूँ, जलन में आती है मिनाल, ये आपका ड्रामा, इतनी दफा मैंने आंटियों से डांट भी खाई है जलन ड्रामे की वजह से, आप क्या कर रही है, मैंने कहा जी आंटी सॉरी मैं नहीं हूँ, मेरी बहन है, मैंने कहा नहीं नहीं सॉरी मैं। अच्छा, डांट दिया आंटी की, ये क्या कर रही है आप ड्रामे में, आपको पता नहीं है क्या, मैंने कहा भाई ये ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं लोग है, लोग वो ड्रामों को बहुत सीरियसली, कैसा है नसीबा के टाइम पे, याद है कैसा है नसीबा, हमारी न्यूली शादी हुई थी, नहीं नहीं हमारी शादी हुई थी, मेरा ड्रामा चल रहा था कैसा है नसीबा, उसमें मैं बहुत ज्यादा, मेरा नेगेटिव किरदार था, तो हम गए हैं बिल के लिए, तो वो जो खातून थी वो एमन से पूछनी है बात, सुने ये जो आपके मारते तो नहीं है,
एवन बोली नहीं नहीं ऐसे बिल्कुल और रोड पे खड़ी हुई आंटी ये आपको मारते तो नहीं इनका ड्रामा चल रहा है मैंने कहा नहीं नहीं बहुत स्वीट है नहीं मारते दे टेक इट वेरी सीरियसली ना ऑब्वियसली अच्छा ऐसा कौन सा मुनीब कैरेक्टर है जो दिल करता है कि मुझे यूं ये कैरेक्टर करना है फ्यूचर में या मैं ये करना चाहता हूं यार मुझे मुझे आईएसपीआर का कोई जिसमें मैं कोई सोल्जर बनूं या कोई फौजी बनूं इस तरह का यू लाइक डूइंग द यूनिफॉर्म में आई लव आर्मी आई लव माय पाक आर्मी ऑफ कोर्स वी ऑल लव पाक आर्मी अच्छा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और होना चाहिए भी और बड़ा सूट करेगा अच्छा यू आर नॉट एक्टिंग राइट नाउ एक्टिंग में आते हुए मतलब एक पैशन था या बस रैंडमली शुरू कर दी शौक था आई थिंक पैशन भी नहीं एक शौक होता है ना जो टीवी पर आना है ये वो ट्विंस है जब भी लोग देखते थे कहते थे आपने आप दोनों को तो टीवी में आना चाहिए आप कमर्शियल में बहुत छोटे छोटे आए थे तो हमने बनस्पति वगैरह के कमर्शियल्स भी किए हैं बचपन में अच्छा। तो उन लोगों ने वो किया कि जी आना चाहिए फिर लोग पहचानने लगे तो फिर आपको अच्छा लगता है वो आपका प्रोफेशन बन जाता है And you guys, and also they have such good reputation, including Maneeb and both of you. ये बहुत कम होता है कि actors के साथ एक अच्छा image भी उनके साथ रहे तो this is a very like good thing to earn. अच्छा मैंने सुना मतलब शुरू में भी हमने ये बोला कि ख्वातीन की memory ज़्यादा तेज़ होती है इस sense में कि चेहरे पहचानने में तो बहुत हम जिस तरह इस field में बहुत से लोग आसपास आके खड़े हो जाते हैं और कभी कभी मुझे भूल जाता है यार कि मैं इनसे कहाँ मिला तो दोनों में से किसके साथ ये होता है कि यार आपको कहीं देखा हुआ है या दिल में सोचा कि हाँ कैसे आप लेकिन पहचाना नहीं किसके साथ लोगों को बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे या अभी दो दिन पहले मुझे एक लड़का फॉलो कर रहा गाड़ी में मैं जा रहा हूँ मुझे फॉलो करे जाए आगे जाके मैंने गाड़ी रोक दी साइड पे वो आके आपने मुझे पहचाना पहला जी कौन मैं B186 वाला घर मेरा था B186 हाँ मैं वो उसका बेटा मैं हाँ 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 सही 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 अरे कैसे हो बेटा बड़े हो गए तुम तो काफी बच्चे थे यार तुम मैं जानता भी नहीं था कौन है पहचाना भी नहीं पता नहीं था लेकिन बच्चा वो चला ऐसे होता है नहीं मेरे साथ तो नहीं होता ये पहचान लेती है मैं ही बात करते खवातीन की मेमोरी पहचानती नहीं हूँ बंदा झूठ क्यों बोले नहीं बेचारा पता क्या कुछ लोगों का दिल वो होता है यार इन्होंने हमें बड़े हो गए आप हमें भूल गए दिल रखने के लिए बोल देता बंदा हाँ हाँ अरे बेटा कैसे हो बहुत बड़े हो गए तुम ठीक है साहब हमें अपनी गेम की तरफ बढ़ना लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कपड़े जो पहने हुए हैं वो अपना डिजाइन किया वो अपना एक ब्रांड बना लिया है दोनों बहनों ने तो ये जरा एक साइड बिजनेस टाइप हो गया कि यार अब हम कपड़े बनाते हैं यस आई थिंक एक पार्ट टाइम बिजनेस टाइप हमने स्टार्ट किया था बट नाउ इट्स गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेयरिंग इट राइट नाउ वंडरफुल यार डिजाइन मेरा नहीं है बट इन्वॉल्वमेंट पूरी है डिजाइनिंग मेरे के पास है ये सारा पोर्शन मैं हैंडल करती है यस ओके जबरदस्त है जनाब अपने गेम की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक हमारे साथ रहिए देखते रहिए द वेरी अमेजिंग Time out with Ehsan Khan. Now, welcome back to Time Out with Ehsan Khan. और अब segment है झूठ का झटका. वैसे ये हम break में जब try करते हैं तो Aiman को बहुत डर लग रहा था. लेकिन मुनीब ने बहुत convince किया कि झटका बिल्कुल नहीं लग रहा. लेकिन जब मुनीब ने लगवाया झटका खुद को तो बहुत जोर की लगा. वो पहले होता है उसके बाद आप तो उसके बाद used to हो जाते हैं आप. फिर easy होता है. बहुत हल्का सा कुछ नहीं है. जब जरूरत हो तो लगा दो बिला वजह नहीं. वो ट्रायल एंड टेस्ट कर रही थी. अच्छा मुनीब को जवाब देने एमन के लिए एमन को जवाब देने मुनीब के लिए यानी मुनीब क्या सोचते हैं एमन आपको ये बताना है और एमन क्या सोचती है मुनीब को ये बताना ठीक है रेडी है सही है एमन एज मुनीब यू हैव टू आंसर एज मुनीब राइट कि ये क्या सोचेगा शादी में मेरे मेहमान एमन के मेहमानों से ज्यादा थे हम दोनों के ज्यादा थे आई थिंक तुम मुनीब हो और तुम जवाब दो किसके ज्यादा थे मुनीब के ज्यादा थे एक्चुअली सच बोला झटका नहीं लग रहा वलीमे में खानदान ही बहुत छोटा सा है मेरे वलीमे में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हुआ कि खुद ही लोग आ गए बहुत सारे बगैर बुलाए अरे गेट क्रैशर बहुत ज्यादा गेट क्रैशर एक फैमिली गेट पे आई गेट पे आके उसने बोला कि हम लड़की वालों की तरफ से मैंने बाउंसर्स खड़े किए हुए थे वहां पे लिस्ट में नाम नहीं था उनका तो बोलते हम लड़की वालों की तरफ से एमन का भाई आया
बोलते हमारी तरफ से तो नहीं है, बोलते नहीं नहीं हम लड़के वालों की तरफ से हैं, मेरा भाई आया बोला आप हमारी तरफ से भी नहीं है। मेरे कजिन्स वगैरह पूरी फैमिली 8 लोगों की फैमिली तैयार होके आई हुई थी शादी में। यार कमाल हो गया, हमने उनको मेरे कजिन्स को पैसे दे रहे थे कि यार आप कुछ पैसे ले लें, अंदर जाने दें, अंदर जाने दें, क्योंकि इसके कजिन को रिश्वत दे रहे हैं वहां पे। यार आप दो चार मैंने कहा तुमने लिए तो नहीं किसी से, और यार ये के अंदर आ गए, क्या बात है। ठीक है मुनीब, एज एमन, आपके अलावा कौन सी एक्ट्रेस मुनीब को पसंद थी शादी से पहले? ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। हां चलो बता दो, एक मिनट बोलते हैं, सच बोल रहे हैं। मैं एमन हूं और मुझे बताना है जवाब। अच्छा, हाँ, कि मुनीब को कौन सी एक्ट्रेस पसंद थी? बोलेगा कोई थी नहीं, ओनली एमन खान, कोई भी नहीं थे। पसंद भी थी तो बताऊंगा थोड़ी। जोर जोर से झटके लगाओ, इसको झूठ बोल रहा है। नहीं सच बोल रहा, सच बोल रहा था, सच पे झटका। सॉरी। अच्छा कोई और पसंद नहीं थी? नहीं, पसंद भी होगी तो आपको क्या लगता है? मुझे नहीं बताया कभी। अभी आगे काम भी करना है भाई, आगे काम भी करना है। और यार तो क्या मतलब काम भी करना, कोई पसंद नहीं हो सकती यार? नहीं नहीं नहीं, कोई पसंद नहीं। I don't think मासूम बेगम, उसको पता ही नहीं है, बता दे आज यार। नहीं नहीं, कोई शादी से पहले की बात कर रहे हैं। पहले भी पसंद थी कोई? कोई भी नहीं। नहीं थी ना, मैं कह रही हूँ नहीं थी। शरीफ आदमी हूँ यार, बोला नहीं थी, कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है एमन, तुमने तो इसको पकड़ा भी नहीं, मैं कैसे करंट लगाऊंगा? क्वेश्चन पूछे, मुझे वैसे डर लग रहा है कि मैंने जैसे तुम्हारे साथ किया, नहीं मैं नहीं करूंगा। मैं एमन से ज्यादा कमरा साफ रखता हूँ। नहीं नहीं, सही कह रही है, साफ रखती हूँ। मेरा काम है गंद फैलाना और मुझे इसमें बहुत मजा आता है। मैं जब अपने घर रहने के लिए जाती हूँ, मैं इतना एंजॉय करता हूँ, ऐसे कंफर्ट वहाँ होता है, कपड़े वहाँ होते हैं, ऐसा मुझे ना हर चीज यूं सेट बिल्कुल यूं चाहिए, चीज भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। फिर ये तो बड़ा प्रॉब्लम करता होगा आपको, पता है क्रिएटिव लोग ऐसे। कभी से ये नहीं बोला कि यार क्या है तुम उठा दो यार। लेकिन एक टाइम आता, मैंने कहा था अच्छा ओके ओके, ये मैंने किया, अच्छा जी मैं लेके जा रहा हूँ। वरना जब मैं घर पे अकेला होता हूँ, ये अपनी मम्मा क्या गई होती, तो मैं आराम से, मैं जब वापस आती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार मुझे पूरा दोबारा से सेट करना पड़ेगा, कबर से लेके पर्स से लेके वॉच तक, यूँ बिखरी भी होती है ऐसे, मैंने कभी नहीं आना वापस। आई एंजॉय दैट, वो वेट कर रहा था, दोबारा आएगी तो खुद साफ कर लेगी सारा। ठीक है जी मुनीब, खर्राटे कौन लेता है ज्यादा? कौन? कभी कभी ज्यादा थकावट हुई हो तो एमन। हैं? झूठ? जोर से लगा, पकड़ तो सही उसको यार। मैं अभी ऑडियो नोट सुना दूं, वो जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तूने भी रिकॉर्ड किया? मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने रिकॉर्ड किया थी, मैंने कहा यार वो के मैंने रिकॉर्ड किया ऑडियो, मेरे पास पूरी ऑडियो है रिकॉर्ड। लड़कियों को, हां ये सही, लड़कियों को बोला तुम खराटे लेते हो, यकीन नहीं आता, नहीं लेते खराटे, नहीं आता यकीन नहीं। ये मैं हूं, सुना दे यार अभी, ऑन एयर सुना दे यार, पुराने वाले फोन में था। लेकिन वैसे ये ज्यादा खराटे लेते? नहीं कोई भी नहीं लेता, वो होता है कि मे बी, असल में यूजुअली खराटों की वजह होती है थकन, बहुत स्मोकिंग करता हो या कुछ ना, तो उनको बहुत ज्यादा होते हैं यूजुअली, अगर ब्लॉकेज हो या थकन बहुत ज्यादा हो, थकन बहुत ज्यादा हो तो फिर आपको नहीं पता चलता, मुंह भी खुला होता है, खराटे भी चढ़ी होती है। ठीक है एमन, एमन मुझसे ज्यादा रोमांटिक है? तुमसे पूछा है? तुमसे पूछा है? मुझसे पूछा है? नहीं नहीं, बिल्कुल रोमांटिक नहीं है यार, वो तो बहुत रोमांटिक आदमी है, तो ये इसीलिए ड्रामों में मुझे देखा है ना रोमांस। हाँ हर वक्त यूं लड़कियों के आगे पीछे, हाँ असल में कौन सी लड़कियों के आगे पीछे, तब मैं कौन सी ड्रामे में भाई, ड्रामे में बेगम साथ बड़ी टेंशन में आगे, ड्रामे की बात कर रहा हूँ। And you are not. No, I'm not. अच्छा मुनीप, ये होता तो नहीं कि यार तुम भी कभी जरा रोमांस एक्सप्रेस? नहीं नहीं नहीं, you like it this way. मुझे पता है कि एक चीज हो ही नहीं सकती, तो फिर आप उस पर मेहनत क्यों करें? शुरू शुरू में मेहनत की थी, पता ही नहीं। नहीं नहीं, शुरू से पता था मुझे। ओके मुनीप, मुनीप मुझसे ज्यादा झूठ बोलता है, कौन दोनों में झूठ बोलता है मुनीप ज्यादा? झूठ नहीं बोलते हम दोनों, झूठ नहीं बोलते। कितनी अच्छी आदत, जो बात सच है बता देते, बोलना भी नहीं चाहिए। एमन, मैं एमन से ज्यादा गुस्सा करता हूँ? नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। यार बड़ा सच बोल दिया एमन ने, बहुत बहुत गुस्सा आता है एमन को। मुनीम कहते हैं एमन तुम्हें इतना गुस्सा आता है कि मुझे तुमसे डर लगने शुरू होता है। उफ, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेंपर है भाई, बहुत ज्यादा।
अच्छा रियली अच्छा हम हैं ही ऐसे मनाल भी ऐसी है मैं भी ऐसी हूं कहते हैं सब एक जैसे नहीं अभी ज्यादा गुस्सा आता है ये विद द पास्ट ऑफ टाइम बढ़ गया है या पहले नहीं आता था इसको मुनीब नहीं नहीं हमें पहले तो शादी नहीं हुई थी शादी ना, से पहले एक दो घंटे मिले स्वीट स्वीट हो गया अब तो रहना ही साथ है तो पता है गुस्सा तो आता है बहुत एक्टिव खतरनाक गुस्सा है ऐसा क्या कर दिए से पता कहते ओ भाई नहीं नहीं मतलब गुस्सा इमन का बड़ा खतरनाक है बहुत एक सेकंड में आ जाता है और एक मिनट में मैं सही भी हो जाऊंगी तो चिल्ला के बोल लेती है ऊंचा जरा आवाज ऊंची देती है हां ये तो है ये प्रॉब्लम है शाउट वहशी पागल नहीं हो जाते गुस्से में भाई शरीफ मेरा भाई बेचारा मैं हर शो से जब भी जाता हूं मुझे लोग घर बता मुझे ऐसे भेजता जा रही हूं भाई आप अल्लाह आपको सब्र दे अच्छा ये बिल्कुल गुस्सा नहीं करता इजी लाइक मुनीम को गुस्सा कभी कभार जैसे आई थिंक एक दो दफा आया होगा शादी के बाद हर एक का अपना अपना गुस्सा का तरीका है कोई होते हैं जो बिल्कुल खफा होके उधर चले जाते हैं अलग से कोई होते हैं जो थोड़ा चिल्ला लेते हैं कोई और गुस्सा नहीं होता वो मैं फिर समझा रहा होता हूँ बता रही हूँ मेरी काउंसलिंग करता है गुस्सा कर दी तो मुझे भी याद दिलाता है कि ये बोला था ना ये नहीं बोलना था इस तरह इसको ऐसे बोलना था आप किसी से कोई भी बात आप सख्त से सख्त तल्ख से तल्ख बात भी अगर आप लहजे में नरमी रखेंगे वो बात आपको बुरी नहीं लगेगी और बहुत आराम से बात भी आप गुस्से से बोलेंगे तो वो आपको बुरी लगेगी ये बुराई नहीं है ये एक हकीकत है ये मैं लोगों को बता रहा हूँ हाँ, ये सब ये तमाम व्यूअर्स भी देख रहे हैं प्लीज प्लीज वो तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा लोग नहीं लोगों को समझा रहा हूँ अगर please. आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी लड़ाई होने वाली है तो नहीं बिल्कुल नहीं होने वाला मैं चाहता ही नहीं क्यों हो लड़ाई यार इतना प्यारा हमारा कपल है यार कभी भी नहीं होगी लड़ाई ठीक है जी मुनीब मुनीब का सेंस ऑफ ह्यूमर मुझसे ज्यादा अच्छा है नहीं यार मुनीब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है वाकई अच्छा है मुनीब के साथ रह रहे कि मेरा थोड़ा बेहतर हो गया मैं ये कह सकती हूँ मेरे बहुत से ज्यादा जो आधे से ज्यादा दोस्त है ना वो मुझसे नाराज होके रूठ के चले जाते हैं क्योंकि जब मैं बैठता हूँ किसी के साथ तो जब तक मतलब कोई रोना जाए ना सामने वाला ये मेरा प्रॉब्लम है ये मेरा सो आई हैवंट सीन दिस साइड मेरे साथ बड़ा आपके साथ नहीं सबके साथ नहीं वो जरा सीनियर जूनियर वाला मुझे लगता है थोड़ी आपका तो रिस्पेक्ट है ये है ना ही इज ऑलवेज वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल इस बात से आपके साथ बहुत प्यार करता हूं मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे आपके साथ तो फिर इंशाल्लाह आपको इसलिए मैं नहीं करूंगा जैसे प्रोजेक्ट फिर खुल के आएगा आपके साथ भी ठीक है जी एमन मुझे लोगों की ज्यादा अच्छी पहचान है Yes. मुनीब के साथ है मुनीब को है मुझे नहीं है होता है ना कोई कोई मेरा जो इमेज है ना किसी किसी लड़की होता जा रहा है आपको एक बात बताऊं किसी का रिश्ता आया ना किसी लड़की के लिए आप मुझे लड़का दिखाओ मैं आपको दो घंटे में बता दूंगा कि ये I'll tell you one thing. I say होता ये कि he is mature now. Age में भी मुनीब is like he is older than me and he have seen the world other things. Really? कितना mature है यार इतना तो अक्सर मेरे बहुत से दोस्त रिश्तेदार जो हैं वो किसी कोई रिश्ता आता ना बोलते हैं यार ये बॉय है जरा इससे इसका बताओ कैसा है ये तो मैं उससे मुलाकात या उसको थोड़ा सा स्टडी करूं मैं आपको बता दूंगा ये इसका ये गेम है अच्छी बात है इंसान को एक्सरे एक्सरे विजन रखते हैं भाई एक्सरे विजन हां जब तो मिनाल को बहुत आसानी हो जाएगी फिर जब रिश्ता होगा तो हां जरूर जरूर ठीक है मुझे पसंद ही नहीं कि मुनीब मेरे अलावा किसी और लड़की से रोमांटिक बात करे नहीं नहीं कोई बात नहीं कर ले खैर है कोई बात नहीं खैर है बात की हद तक खैर है मैंने भाई बात ये कि पहले मैं पास करूं कि हां जी इससे बात करो हां कर लो अभी तुम इस बात पे कायम रहना अभी तक ऐसा हुआ है कभी इस बात पे तुम कायम रहना ऐसी कोई बात नहीं है ये बात आज रिकॉर्ड होगी है बस कायम रहना इस बात पे ऐसी कोई बात नहीं है मुनीम कल को इन केस कभी ये बात कर ले तो फिर हम ये क्लिप दिखाएंगे कि खुद ही तो कहा था यार ये ना मुनीब मुझे खुद दिखा रहे हैं देखो तुमने कहा था मैं कर रहा कर लो ठीक है जी एमन मैं एमन से ज्यादा फजूल खर्च हूँ नहीं 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 आई थिंक मैं फजूल खर्च हूँ एमन बहुत ज्यादा फजूल खर्च मैं पर अच्छा एक तो दिन व्हाट डू यू स्पेंड ऑन मोस्टली शॉपिंग
पता नहीं क्यों मैं आपको एक बताऊं, एक छोटा सा आजकल ना मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत स्टार्ट करती हूं। हम अभी टर्की गए थे इस्तांबुल, तो हम जब जा रहे थे तो हमारा लगेज था प्रॉब्ली 50-55 kg हम दोनों का, ठीक है। और जब हम वापस आ रहे थे तो हमारा हमारा वेट था 164 kg, 110 kg की जो शॉपिंग जमा की है, 110 kg। और उसमें ज्यादातर क्या था अमन? बहुत सारी चीजें थी, कपड़े, अपना मेकअप, परफ्यूम, मतलब मुझे ना शौक है, एक चीज होती है ना आपको अच्छी परफ्यूम्स का शौक होता है तो परफ्यूम्स ले लिए। ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल मैं अपना अब जब भी कहीं जाते हैं ना तो हमारा घूमने का बजट अलग होता है और शॉपिंग का अलग होता है। मैंने अलग ही कर दिया होता है, मैंने कहा नहीं यार इसको अलग रखो, जो है ना वो डॉलर्स हम अलग कर देते हैं, ये शॉपिंग के लिए हमने इसको वक्फ कर दिए पैसे। अब ये सही है यार, सही है, शॉपिंग इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। मनी प्रेजेंट शॉप, मनी यस ऑफ कोर्स, फॉर हिज क्लोथ्स एंड हिज वार्डरोब, प्रोजेक्ट बेस्ड। इस फील्ड में वैसे भी कपड़े ज्यादा चाहिए होते हैं, वो हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ठीक है। ओके जी मुनीब, ज़ारा नूर अब्बास या सबूर, ये किसको चूज करेगी दोनों में से? मतलब किस चीज के लिए चूज करना है, क्या सेलेक्ट, किस फ्रेंड्स कौन थे? सबूर से ज्यादा दोस्ती है, सबूर से मेरी बहुत दोस्ती है, ज़ारा भी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन ज़ारा से इतना इंटरेक्शन नहीं है, सबूर से है, ठीक है। बट दे बोथ आर वेरी गुड एक्टर्स, हां ठीक है। मैं एमन से ज्यादा बेहतर एक्टर हूं, कौन जवाब देगा इसके बारे में? मैं नहीं। पकड़ो उसको, वो झटका लगाएगा, दोनों पकड़ो, लगाओ के झटका नहीं लगाएगा, नहीं लगा उसने यकीन कर लिया, पकड़ो, कह दो कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूं। नहीं नहीं, एमन अच्छी एक्ट्रेस है, एमन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मुझे लगता है हर एक्टर की अपनी एक अलग तरह से परफॉर्मेंस होती है, वो अपने बड़ा कवर किया है, बेगम ने बड़ा कवर कर लिया भाई, शोहर की बात है ना, ऐसे ही होना चाहिए, मैं कवर करना चाहिए, नहीं नहीं मतलब इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एक्टिंग की तरह, हर कोई अपनी तरह एक्ट करता है यार, पहली बात हमने सुन ली, लगेगी वही नहीं, एमन ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस, लड़की हूँ ना मैं यार, मैं रो धो के कर लेती हूँ एक्टिंग, लड़की बैठी होती तो आप कॉम्पिटिशन में, आप कितना रोए बताएं, नहीं इसमें ज़ेनी तौर पे रो रहा था मैं। मतलब जैसे लड़कियां रोती है ना, हाउलिंग इन द ड्रामा, ठीक है जी। मैं अक्सर मिनाल को बोलती हूँ कि मुनीब पे नजर रखना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नो जरूरत ही नहीं पड़ती उसको, क्या इमेज बिल्डिंग है, क्या शरीफ आदमी है यार, मैं तो मैं भी तो हूं बराबर में बैठी हुई, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं तो इंप्रेस हो गया हूं यार, घर में इंसान की घर में इज्जत होनी बहुत जरूरी है, ये बड़ी अच्छी बात है, दिस इज ब्रिलियंट यार, दैट्स द वे इट शुड बी। और आपको एक और बात बताऊं, यूजुअली जो है वो घरों के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, उसमें ज्यादातर जो है वो हस्बैंड्स के इश्यूज होते हैं पीछे, अब आप लेट आ रहे हो, टाइम नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली यार टाइम नहीं दे रहे, बता नहीं रहे, बीवी बैठी हुई है, वो आपके इंतजार में बैठी हुई है यार, अगर आप उसको उसका ख्याल नहीं रखोगे तो आप नहीं रखोगे तो कौन? तालियों वाली बात कर दी मनी, मैं तालियों वाली बात, इसमें तालियां बजनी चाहिए, ठीक है। एवन मुनीब क्या चूज करेगा, दौलत या शोहरत? उधर की देख रही हो, अच्छा दौलत यार शोहरत, दौलत मिली जाएगी, गलत जवाब दिया, ऐसा करंट लगाया जवाब दिया, सही जवाब होगा, फेम से दौलत मिली जाएगी, आई थिंक फेम और दौलत ये चीजें कंपैरिजन नहीं है इनका कोई आपस में, मैं दे दूं उसका जवाब, दो दौलत कभी भी चूज नहीं करूंगा मैं, कभी मैंने यही जवाब दिया है, लेकिन मनीम अपने वर्डिंग्स में कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा एलाबोरेट करो ना, लोग गलत ना समझ ले के पता नहीं यार, तुमने एबर क्या बोला यार, इतना कंफ्यूज क्यों थी, तुम जानती क्यों नहीं हो मनीम को, नहीं मैंने ये जवाब दिया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग आपके पीछे क्या, वो हीरो है, वो बोलेगा मैं दौलत कभी चूज नहीं करूंगा, चलो मनीम इस बात का भी जवाब तुम दो, दौलत कभी भी नहीं, तोड़िए जोड़िए, आप जिस चीज के पीछे भागते हैं ना वो चीज आपसे दूर भाग रही होती है जी, आप अपना वॉलेट और फोन रखें और आप दूर भागे, पीछे से कोई वॉलेट और फोन लेके भाग जाएगा, आप उससे दूर भागेंगे वो आपके पीछे भागेगी। अच्छा एमन से सवाल है, मुनीब को किस एक्ट्रेस के साथ आजकल की किस एक्ट्रेस के साथ रोमांटिक सीन करने में मजा आएगा? मजा आया या आया या आएगा, ये सवाल तो मैंने पूछा नहीं, आज तुम खुद बता दो यार,
I think comfortable actress होनी चाहिए मुझे सबसे ज़्यादा अगर मैंने enjoy किया ना किसी के साथ काम वैसे तो सबके साथ किया है रमशा के साथ मैंने बहुत enjoy किया काम रमशा मोमल आयजा जी और 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 किसके साथ मैंने किया था रब आपके साथ भी किया है ठीक है कोई एक नाम नहीं लिया इसने तीन चार ले लिए ताकि एक स्पेसिफिक ना हो जाए है ना देख रहा हूँ मैं सब नोटिस लेकिन रमशा के साथ मैंने सब नोटिस कर रहा हूँ मैं नोटिस कर रहा हूँ इसमें से अगर एक नाम अगर मैं चूज करूँ तो रमशा के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया था ओके व्हाई नॉट रमशा इज अ वंडरफुल कॉलीग उसके साथ काम करने का बड़ा मजा मुझे भी आया अच्छा जनाब ये ऐसा सेगमेंट गुजरा है कि किसी ने किसी को करंट लगाया ही नहीं है दोनों मियां भी सोच के आए थे कि करंट नहीं लगाएंगे भाई कुछ भी करंट लगाने वाला सवाल ही नहीं आया करंट लगाना सच सच बोल दिया जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हमारे साथ रहिए देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान Now welcome back time out with Ehsan Khan aap dekh rahe hain hum maujood hain hamare kitchen mein aur Aiman aur Muneeb aaj banane ja rahe hain strawberry parfait aur aap jante hain parfait is a french word वैसे तो परफेक्ट लिखा होता है लेकिन इसको कहते परफेम और ये बहुत ही मजे की चीज ये देखिए बन के ऐसा होगा ये ऐसा बनाना है कभी मतलब okay. बनाया ट्राई किया किचन में कौन ज्यादा अच्छा काम करेंगे दोनों ही यार जी अच्छा उफ यार इतना टेम्प्टिंग है मैं क्या बताऊं इट्स सो यमी बट व्हाट यू हैव टू डू अगर कोई ऐसी इंग्रेडिएंट्स जो इसमें आपके पास ना निकले वो आप मुझसे बार्टर करेंगे यानी मुझे राज बताएंगे और okay. फिर आपको वो चीज मिल जाएगी ठीक है इन केस आपको स्ट्रॉबेरीज चाहिए इसके लिए ब्रेड चाहिए मेन्यू देखिए क्या क्या है मुनीब जरा ब्रेड स्ट्रॉबेरीज क्रश बिस्किट्स बटर क्रीम योगर्ट योगर्ट जबरदस्त ओके लेट्स स्टार्ट ठीक है जी तो निकालते हैं पर्ची निकालें नहीं है नहीं है एक एक करके निकालनी है क्या ये स्ट्रॉबेरी सिरप ए तो आज भाई की किस्मत अच्छी चल रही है यार ये ले यार ये तेरा हुआ चलो भाई जी बनाना शुरू करूं हाँ बनाइए इट्स योर चॉइस ओके ग्रैनोला ग्रैनोला क्या करोगे इसमें ग्रैनोला का नहीं डलता नेक्स्ट नहीं डलता नहीं क्या मैं अपनी कोई डिश नहीं बना सकती बनाना है ना लेकिन नहीं, अपनी नहीं, अपनी नहीं। देखो ग्रैनोला नहीं डलता अगर तुम्हें बाटा करना है तो फिर एक राज हाँ, बताओ लेकिन और पांच पांच पहले निकाल लो अच्छा निकाल लो एक साथ पांच हाँ एक साथ दे दें ताकि मुझे पता हो मेरे पास क्या ताकि अच्छे अच्छे सारे न्यूटेला न्यूटेला का क्या करेगा यार न्यूटेला यू डोंट नीड यस यूजलेस यू डोंट नीड न्यूटेला न्यूटेला ओके गॉट इट कोई भी आए राज तो बताना पड़ेगा मुझे तो लग रहा है मुझे पांच राज बताने पड़ेंगे क्या ये हनी वैसे हनी इज अ गुड थिंग हनी यूज हो सकता है हनी सिरप जो है उसकी जगह या यू कैन यूज इट ओके डन क्या कर रहा है चलो जी ओके हो गया एक निकाल ले ओके ब्रेड नो इट्स कैबेज ही इज लाइंग ओए इट्स कैबेज मैं ये मैंने कहा उल्टा क्या पर से ब्रेड कैसे पड़ गया यार पहला राज तो यही पता लग गया इसका ये झूठ बोल रहा है यार अभी उसे मुझे लगा ब्रेड है उस सोफे बैठे बोल रहा हम दोनों झूठ नहीं बोल पकड़ा गया ना मुझे नहीं उल्टा था मैं समझा शायद ब्रेड लिखा हुआ है वाह जी वाह नाज़रीन इसको उल्टा करें कहीं से ब्रेड लगता है मुझे लगा मुझे ऐसे ये क्या है कैबेज उठाए जनाब कहां पड़ी थी कैबेज ये ले मैं एक नया बनाऊंगा स्ट्रॉबेरी पेपर कैबेज डालूंगा क्रीम तो चाहिए थी यार गुड क्रीम रख लो ला जी निकाल जो चीजें मैं यूज कर सकती हूं ना मैं साइड में कर देती हूं ब्रेड यार अब यकीन नहीं आ रहा मुझे गौर से देख रहे निकल आई है ब्रेड फाइनली ब्रेड चलो भाई 1 2 3 4 5 दोबारा से क्रीम ये डिफरेंट है ना दोनों क्रीम कोई बात नहीं सही है रख लो क्रीम अभी बाटर करेंगे यार इसके बदले मुझे कुछ और नहीं अभी नहीं चाहिए वो मैं बताऊंगा यार ये मेरा किचन है सुपरमार्केट में दूंगा 7-11 चौक मैं ज्यादा क्रीम डाल दूंगी बटर
बटर। अरे यार इसके तो पूरा निकलता जा रहा है, मेन्यू किसने ये रखे हैं ऊपर, बटर क्यों निकल रहा है यार मेरे? एक दो मुझे अब चाहिए क्रश बिस्किट। वाह 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 वाह, क्रश बिस्किट्स कहाँ है भाई? कहाँ है कहाँ है? ये ओके। एंड यू यू नीडेड दिस है ना? चलो एक और निकालो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव है टोटल। एक और कोकोनट। कोकोनट तो चाहिए नहीं तुझे, लेकिन रख ले ये ले भाई। चलो कोकोनट, चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स जो चाहिए बटर वो बटर करेगा मेरे साथ। तो सबसे पहले किसको क्या चाहिए? मुझे चाहिए, तुम्हें मिल गया स्ट्रॉबेरी सिरप, मुझे चाहिए। स्ट्रॉबेरी सिरप है मेरे पास और ठीक है, भी है। एमन को चाहिए, एमन को स्ट्रॉबेरी सिरप चाहिए। एमन कुछ वापस करेगी, स्ट्रॉबेरी सिरप मिलेगा, लेकिन साथ बताएगी मुनीब का एक ऐसा राज जो हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन उससे पहले एक बात बताएं, क्या थोड़ी रेसिपी आगे पीछे हो सकती है? नहीं, नहीं। आगे, आगे हो सकती है, पीछे नहीं हो सकती। बिल्कुल चले फिर आप ही ले लें पहले राज। मुनीब शॉपिंग पे जब भी हम जाते हैं एक एक कपड़ा ज़रूर ट्राई करते हैं। शायद मैं, मुझे लगता है कि मैं बगैर ट्राई करे कपड़े ले लेती हूँ, लेकिन ही नीड्स टू ट्राई एवरी सिंगल क्लोथ। यानी ट्राई रूम में जाके यस आधा घंटा लगता है मुझे, हाफ ज़्यादा। एक चीज उठाने में, एक चीज, एक एक चीज, हर चीज ट्राई करते हैं। जैकेट के साथ लुक बनाया, जींस जींस के साथ ये शर्ट जा रही है, जैकेट जा रही है, नहीं जा रही उतार के दूसरा। सो या अच्छा बेट, गुड राज ना, थैंक यू। मुझे चाहिए है योगर्ट। हाँ योगर्ट, ये रहा। राज बता दो जल्दी से बेगम का। एमन का राज, एमन सारे एक्सपेंसिव परफ्यूम्स ड्रेसिंग टेबल पे नहीं रखती, सब दराज में रखती है, और जो सस्ते सस्ते होते हैं वो ड्रेसिंग टेबल पे रखती है। यार इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि शादी और यूज ना कर ले। जब मेरी नई नई शादी हुई ना, हमेशा से मुझे मिनाल और मैंने भी अगर कोई चीज़ लिया ना तो हम शेयर नहीं करते एज सच के, उसके परफ्यूम्स अलग और मेरे अलग। आई वॉन्ट टू कीप इट ऑन लाइक फॉर माई सेल्फ। मेरी शादी के बाद जितने भी अच्छे अच्छे परफ्यूम्स थे मुनीब आराम से तो लगा लगा लगा। मैंने कहा ये क्या यार, लड़कियों के परफ्यूम लगा के फिरोगे? यार ये भी एक राज है, मुनीब लड़की के परफ्यूम लगा के फिरोगे? क्यों कि नहीं, जो थोड़े ऊट टाइप के होते हैं ना, यूनिसेक्स होते हैं वो, तो फिर मैंने साइड में कर दिया, छुपा दिए बेसिकली मुनीब से, साइड में नहीं गए, छुपा दिए भाई, छुपा दिए। उसकी चाबी भी मेरे पास होती है। तो ये योगर्ट किसका होगा? योगर्ट मेरा होगा। योगर्ट, अच्छा इससे राज बता, ठीक है। हाँ जी, आपको क्या चाहिए? एक राज तो मैंने भी बता दिया ना कि लड़कियों के परफ्यूम्स लगा रहे हो। नहीं, नया राज है, हमें और पता लग रहा है। क्या चाहिए? स्ट्रॉबेरीज हैं क्या? यस स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज दोनों के पास नहीं है। मुझे चाहिए, अब मुझे चाहिए है स्ट्रॉबेरी। मैं अभी मेरी बारी है, स्ट्रॉबेरी जरा महंगा, बड़ा राज चाहिए, बड़ा राज चाहिए, बड़ा बड़ा राज क्या है? अच्छा, मुनीब को बहुत ज्यादा वेपन्स रखने का शौक है, गानशान, तो सफाई उसकी बहुत, रूम की हो ना हो लेकिन उसकी वीकली सफाई होती है, प्रॉपर हर चीज साफ करके। वो मेरी ही अलमारी में सजी हुई होती है। यार ये राज है, ये राज ही है। किसको नहीं पता ये बात, पता कि मेरा आपको अच्छा नहीं लगा? दे दे, मैं आपको दूसरा आगे, आई प्रॉमिस मैं राज दूंगी, आप मुझे दे दे। कौन सा राज है? राज मूवी की सीडी ना दे दे आपको, राज मूवी आई थी ना। अच्छा जी, ये राज स्टार्ट मेकिंग इट आल्सो। हां जी, आपको क्या चाहिए? अच्छा जी, मुझे चाहिए है क्रश बिस्किट्स। क्रश बिस्किट्स मेरे पास तो है, ये रे 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 क्रश बिस्किट्स तो ऐसे थोड़ी मिलेगा। ओके क्रश बिस्किट्स, राज राज। एमन को अगर एक पिक्चर अपलोड करनी है तो कोई 50 टू 60 पिक्चर्स हम क्लिक करते हैं एमन की, तो उसमें से कोई एक हम सेलेक्ट करते हैं। वो 50 पिक्चर्स जो है वो मैंने लेनी है, कभी यूं कभी यूं कभी यूं, एटलीस्ट 50 टू 60 फोटोज में से कोई एक सेलेक्ट होती है। यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। और जब तक मुझे मेरी मर्जी के पिक्चर ना मिले तब तक मुनीब को पिक्चर लेनी ही लेनी है।
और अक्सर हमारी ये तो मैं ऑस्ट्रिया में नहीं वो मैं आप मुझे पहले इंग्रेडिएंट दें ऑस्ट्रिया में हमारी लड़ाई हो गई हनीमून के ऊपर तुम मेरी तस्वीर अच्छी नहीं ले रहे अरे भाई मैं और कैसे अच्छी लूं मुझे मैं छोटू शानी थोड़ी हूं यहां पे आ कोई आके फिर शादी थोड़ी की थी एक्टर शादी की नहीं मैंने कहा यार पहले मैं तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी पिक्स देखी तो मुझे टेढ़ा मेढ़ा दिखा रहे हो मतलब जल्दी जल्दी क्लिक करो ये क्या बात हुई भाई फिर उसके बाद सीखी तस्वीरें खींचना ये ले यार मुझे बहुत तरस आ रहा है यार यही बात है आप लोग एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं ना बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी आगे क्या है चलो क्या चाहिए आई नीड बटर मैं ये व्हाट डू यू नीड बटर 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 कहाँ है बटर कहाँ है बटर मेरे पास ये बटर ये यार लेकिन मेरे पास दो दो क्रीम्स नहीं ये बटर उसपे जाना ही बटर हो गया उसके बाद नहीं लेकिन राज राज मनीप को तैयार होने का बहुत शौक है किसको नहीं होता बहुत ज्यादा किसको नहीं होता मतलब जान एक मिनट कितनी देर लगाता है एक मिनट I want to know अच्छा, this. ऐसा मुझे फील कराते हैं रेडी होने से पहले कि नहीं यार तुम्हें तो दो घंटे लगेंगे और खुद को भी बहुत टाइम लगता है ये पहना उतारा नहीं दूसरा ट्राई किया बहुत बड़ा राज बता यार बहुत बड़ा लेकिन वैसे ये है भी और इससे बड़ा क्या राज की बनी तुमने वहाँ चोरी की थी ये बता दो मैंने कहाँ चोरी की थी ये राज झूठा राज हुआ मैंने कहाँ चोरी की थी मन ये राज झूठा राज मैं सिर्फ दिल चुराता हूं बंदा सच ही छोटे छोटे से राज बताएगा ये ऐसे से राज बता रहे दोनों के बिल्कुल जो है ना कोई उसके ऊपर एक मिनट अगर एमन दो घंटे लगाती तैयार हो मनीप भी डेढ़ घंटा लगाता ही होगा नहीं डेढ़ घंटा तो नहीं आई थिंक अगर मुझे दो घंटे लग रहे हैं तो मनीप को एक घंटा 50% कम होता है टाइम काफी टाइम है फिर भी हाँ थैंक्स चलो क्या यार मैंने और क्या चाहिए मुझे चाहिए स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी चाहिए तो राज बता दे भाई अब देखो एमन ने इतना बड़ा राज फाश किया कि एक घंटा लगता है मनीप को तैयार होने में राज ये है कि एमन को उठते ही नाश्ता चाहिए उठते के साथ अगर उठने के सुबह आधे घंटे तक इसको नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं मिले तो मूड ऑफ तो फिर मूड ऑफ नहीं तो फिर तबाही हो जाती है तबाही कि जब तक एमन को और ब्रेकफास्ट में क्या होगा एक कॉफी और एक कोई साथ जो है वो क्वेश्चन कोई सैंडविच इतना सा इतनी सी चीज लेकिन कुछ खाने के लिए लेकिन अगर उठ गए एमन और उसके आधे एक घंटे तक उसको कुछ नहीं मिले तो भाई वायलेंट हम साइलेंट और ये वायलेंट लेकिन अब मैंने थोड़ी आदत चेंज कर लिया अब साइलेंट होना सीख लिया नहीं नहीं थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा ताकि मिल जाए ना चीज एक रेजिम होती है एक्टर्स की सुबह से उठ के पहले हम पानी ये पीते हैं फिर हम वो करते हैं नहीं नहीं मैं यू वांट योर कॉफी एंड ब्रेकफास्ट कॉफी पहले मैं शहद पानी पीती हूं वार्म वाटर विद हनी ओके अच्छा मेरा तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है भाई कंप्लीट हो चुका तो बनाना भाई हम वेट थोड़ी करेंगे ओके तो स्ट्रॉबेरी मिल गई स्ट्रॉबेरी तो है ही नहीं स्ट्रॉबेरी अभी तो ये मिल गई यार आई डोंट हैव एमन क्या चाहिए ब्रेड जस्ट ब्रेड ब्रेड के लिए कोई राज बताना पड़ेगा राज अब राज आखिरी चीज है एमन अच्छा एमन आखिरी चीज है राज है कि मैं पूछ रहा हूं आखिरी चीज है आखिरी चीज है तो उसमें वो भी साथ साथ डालते हो लेकिन कोई ऐसा राज होना चाहिए यार ये पहले जाएगी ना नहीं ब्रेड मिले बस जिस पे ऐसा राज हो यार ये पहले जाएगी तो मेरा काम शुरू होगा पर क्या राज स्पेशल होना चाहिए ऐसी नहीं मिलेगी दे दूं मनीम फिर बताओ छोटा सा बता देते हो क्या बता रही हो मुझे यार जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं ना रेडी होते निकलने के लिए वापस भाग जाते हो ऊपर कुछ ना कुछ करने या तो वॉशरूम जाना होगा या कोई काम होगा कोई गन भूल गया कुछ हो गया वॉलेट भूल गया हमेशा मैं गाड़ी में बैठती हूँ कहती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ या तो वॉच या तो फोन या तो वॉलेट इन शॉर्ट मैं बहुत केयरलेस ही इज वेरी केयरलेस ही मेबी इज कंसंट्रेटिंग ऑन यू एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स नहीं 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 अच्छा आई डोंट थिंक सो कह रहा नहीं मैं तो मैं बचत कर रहा हूं बेबी यार केयरलेस केयरलेस मेरी क्लास वन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मेरी जब भी रिपोर्ट कार्ड आती थी उसमें लिखा होता था वेरी इंटेलिजेंट बट वेरी केयरलेस वेरी इंटेलिजेंट प्लस वेरी केयरलेस इंटेलिजेंट है मैंने आज ऑब्जर्व किया है Your husband is very intelligent. तो ये ब्रेड जो है वो एमन की हुई. Thank you. चैलेंज अब देखते हैं कौन जल्दी से कंप्लीट करता है. मेरा तो हो गया ऑलमोस्ट. ज़्यादा डालो, ज़्यादा डालो. बना, बना, बना. पता नहीं क्या बनने वाला है. पता नहीं क्या. मेरा कम कम सोच समझ के डाल रहा है कि ज़्यादा ना हो जाए. खाना भी पड़ेगा. लेकिन it's looking very tempting. It's looking very tempting. और क्या था ये स्ट्रॉबेरी पार्फे ऑलमोस्ट तैयार इसको हम करेंगे फास्ट फॉरवर्ड ऑन स्क्रीन ताकि ये जल्दी बन जाए
Wow, my one is ready. Chalo bhai. Ready? I'm done. कोई बात कभी almost ready, almost ready. मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ कि मैं खुद भी खा लूँ अपनी मर्जी. अब करेंगे हम ये कि अब try करेंगे एमन ये वाला भी और वो वाला भी और हमें बताएंगे ज़्यादा अच्छा कौन सा है. मैं try करूँगी. हाँ ना. मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का सा बंदा add कर ही देता. क्या? हाँ नहीं मुझे भी हाँ मैंने भी डाली. No, it's not your ingredient. बताओ. यार अच्छाई का ज़माना नहीं है. अच्छाई का ज़माना. मैं चाह रही हूँ कि मेरा शरीफ आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं. अब ट्राई करें ना. एमन कम ऑन ट्राई इट. टेल मी व्हिच वन इज बेटर. यार मेरी एक चीज़ रह गई बस ये ना. अबे ऊपर से दही कौन डालता है? मैं डालती हूँ. क्या ऊपर से योगर्ट डाल दिया? दही डाल दिया ऊपर. चलें जी रेडी. अंदर होता दही. ला मैं ट्राई करूँ. ट्राई करें आप. ये क्या है? मुझे लगता है मेरा वाला बेटर है. तुमने ऊपर से लिया ना इसको. देखो ऐसे करो. यू कर रही है पहले से. कह रही है मुझे लगे मेरे वाला ज्यादा अच्छा. आप ट्राई करके देख. नहीं यू ट्राई ना. यू ट्राई योर्स. ऑब्वियसली आई एम सेइंग मेरा वाला अच्छा. यू थिंक सो? या बिकॉज़ मैंने बिस्किट ऊपर भी डाल दिए व्हिच इज यू नो थोड़ा सा चेंज हो गया. लग रहा है दोनों. एमन कह रही है उनका ज्यादा अच्छा. मनी भी एमन का ट्राई करो यार. किसका ज्यादा अच्छा है? मनी तुम सच में किसका ज्यादा फिलिंग और जबरदस्त लग रहा है? ये लो. आई विल मेक यू अ बाइट. हर चीज है ना. ऐसे करते हैं पूरा बाइट. क्रीम व्रीम डाल के फिर योगर्ट डाल देना मुझे. ऑब्वियसली एमन का ज्यादा अच्छा है यार. नहीं मीठा कम है. हाँ मीठा कम है. मीठा कम है. तुमने कैसे डाला है? मैंने ऊपर से स्ट्रॉबेरी ये डाले ना. वो देखो ये अब नहीं. अब मैं देखो अब उसे बोल दिया उसको अपना अच्छा लगा ज्यादा. मैंने क्या बताया था मुनीब अपनी हर स्टोरी का हीरो है तो जाहिर है कैसा भी हो अब वो यही भूलेगा ना मेरा अच्छा. वंडरफुल यार. अब हम इसको खाएंगे और आप लोग लेंगे. एक छोटा सा ब्रेक हमारे साथ रहिए. देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. वेलकम बैक. टाइम आउट विद एहसन खान. आप देख रहे हैं एमन और मुनीब हमारे साथ मौजूद हैं. मैंने कहा जरा एक मोहब्बत भरा एपिसोड हुआ है. मोहब्बत भरा पैगाम भी होना चाहिए. कार्ड्स बनाएंगे दोनों एक दूसरे के लिए और देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा बनाएगा. या कोई मैसेज भी हो सकता है. यहाँ पे आप मैसेज भी लिख सकते हैं. अच्छा एक चीज जो यू कैन स्टार्ट मेकिंग इट नाउ. यू हैव वेरी लेस टाइम बट देन यू आल्सो हैव टू टेल मी सम एम्बैरेसिंग मोमेंट. वैसे मुनीब ने मुझे दो तीन एम्बैरेसिंग मोमेंट बताए हैं. हाँ लेकिन मैं चलो एक पूछता हूँ कि मुनीब वो एक वाला बता दे जो तूने मुझे बताया था भाई. हाँ वो हुआ ये कि जिस दिन हमारी शादी थी उस दिन मैंने सुबह से सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ था. क्या मैंने ब्रेकफास्ट किया हुआ था सिर्फ और मैंने लंच भी नहीं किया था और मैं शाम में चला गया रेडी होने के लिए. यार उसे गलती से हैप्पी बर्थडे लिख दी है. हैप्पी बर्थडे कोई बात नहीं यार. ये क्या याद रीराइटेड. इट्स ओके रीराइटेड. अच्छा फिर शादी तो हुआ ये कि मैंने खाना नहीं खाया हुआ था और बारात जो है वो इतने सारे लोग इतनी सारी पिक्चर्स वगैरह और मुझे भूख लग रही थी. 10 बज गए 11 बज गए 12 बज गए मेरे सामने सब लोग खा रहे और मैं इतनी मुझे शदीद भूख लग रही. फिर एक टाइम आया मैंने बोला अब बस बहुत हो गया बस अब कोई पिक्चर नहीं होगी. 1 बजे दूल्हे ने खाना खाया. सोचे दूल्हा ने 1 बजे खाना खाया. वैसे अक्सर ही शादी होती है दूल्हा दुल्हन को लोग भूल जाते हैं आपस में एक दूसरे के. अच्छा एमन 1 बजे क्यों खाना मिला यार शादी 12 ये याद रहेगा उसको 1.5-2 साल बाद भी याद है. मैं रोज याद दिलाता है मनी बात रोज. क्यों? इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया कि यार खाना तो चलो 1 घंटे बाद खा लेंगे. पिक्चर्स रह जाती है ना जो खानदान के ताने मिलते हैं वो फिर मैंने कहा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. ये इन लोगों उसी दिन लड़ाई होगी थी फिर कोई खानदान नहीं था. इन लोगों में जो है ना खाने को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. हमारे यहाँ जो है वो ये सीन है खाना. लोगों में हम क्या अलग प्लैनेट से हैं? फूड सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फूड. चॉकलेट इज माय. क्या चक्कर है मन क्या सीन है? सबसे पहले हमारे यहाँ ये इनकी जो पंजाबी है ना ये देयर फूड लवर्स. पंजाबी तो आपको पता है फिर पंजाब के खाने. अच्छा,
मैं उस मोमेंट में थी तो नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मुनीम के पेरेंट्स ने मुझे बताया कि इनके मोहल्ले में या जहाँ रहते थे वहाँ पे मिलाद हो रहा होगा कहीं पे। अब स्पीकर शौक होता है ना लोगों को कि भाई सबके सामने पढ़ेंगे, बाबा होगी। और इनको ये एहसास नहीं हुआ, वाह वाह, नात पढ़ने का शौक था मुझे, नात मुझे पढ़नी थी। तो सोचें जब पढ़ना शुरू किया होगा तो लोगों का क्या हाल हुआ होगा, बैठे बैठे। लेकिन तो सबने ये बात आके बताई कि मुनीम ने ऐसे पढ़ी जी, पूरे आई थिंक पूरे इलाके में मैंने नात, उसकी वीडियो नहीं, मिलाद हो रहा था हमारे एरिया में, तो वहां पे मैंने बोला मैं नात पढ़ूंगा। वो मैंने तीन दिन तक इतनी प्रैक्टिस की नात पढ़ने की कि मेरा गला ही बैठ गया। और जब पढ़ने का वक्त है मेरा गला बैठ गया। अच्छा जनाब, क्या लिख दिया है? एमन ने तो लिख दिया था हैप्पी बर्थडे बट शी चेंज इट। ओके, सो उसने तो कार्ड कंप्लीट कर दिया। ये क्या तस्वीर लगाई है? अच्छा, मैंने लगाई नहीं, मैं सोच रही हूँ लगा दूं। यार एक तस्वीर, वो देखो यार, वैसे एक बात है एमन, वो जो किचन वाला सेगमेंट था उसमें भी he was very very fast किचन की चीजें बनाने में। Is he fast right now? And he is very fast over here also. I am noticing this stuff. Eman, you मतलब girl, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं पता है इतनी सारी जो नीचे गिरा दी है, जो नीचे ये जान के गिराई है उसकी तस्वीर। कौन सा? ये वाला नहीं यार, एक और है वैसे ही। यार कितनी क्यूट तस्वीर है, देख यार ये एमन ने चूज, ये एमन ने चूज किया, ये एमन ने चूज किया, ये देख देख रहा है ये। अबे यार वो क्या लगा है एमन यार? बस ऐसे ही बनाना ना तो अच्छा सा कार्ड। अच्छा एक दूसरे का मुझे सिर्फ ये बताओ, एक दूसरे के पासवर्ड्स तो मालूम है ना मोबाइल के? हाँ, कौन yes. किसका मोबाइल चेक करता है? I want to know, या चेक करता था? नहीं नहीं, मैं तो कभी भी नहीं किया था। नहीं, it was our rule कि यार फोन चेक करेंगे ना तो लड़ाइयां होंगी, लेकिन मैं कर लेती हूँ। अच्छा बीविया करते हैं चेक, कुछ भी कर लो, मैं डिलीट कर देता हूँ, पासवर्ड भी पता होता है, चेक कर लेती है। अच्छा टाइम अप हो गया है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, क्लू नहीं है इसमें। वाह मनीम ने बहुत अच्छा कार्ड बनाया यार। वाह यार क्या बात है, बड़ा यू आर स्वीट, कहां से निकाली है यार? नाइस, ये पैंपर में आप भी बैठी हुई है एक छोटी सी बेबी की तरह। क्यूट, नॉट बैड यार। ये अब रखेंगी आप, ये मैं ले जाऊं? अब बिल्कुल आप ले जाएंगे इसको, और ये आप ले जाएंगे। उसने मेरे बारे में क्या लिखा है? लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। हाउ स्वीट इज, ये तो खैर बताने वाली बात थी ना। थैंक्स मनी, हैप्पी हैप्पी वैलेंटाइन डे। ओह थैंक यू। क्या मनीप तुम जीत गए मेरे लिए यार, आवाम का भी पिक्चर हट गई, मेरा भी और सबका दिल जीत लिया मुनीब ने। ये इतना प्यारा मैसेज लिख के, मैंने भी लिखा है। हम बिल्कुल पहले गलती से अभी बर्थडे लिख गया, हैप्पी वैलेंटाइन डे, क्योंकि मैंने उसको कवर भी किया। ऊपर क्या लिखा है? साथ ही क्या लिखा है? चॉकलेट इज माय वैलेंटाइन। कुछ यार नहीं मिल रहा था, इसको होना चाहिए वैलेंटाइन, चॉकलेट को होना चाहिए, चॉकलेट इज माय वैलेंटाइन, यू आर चॉकलेट। वाह वाह, ये वैसे ये बहुत बहुत वेरी नाइस, यू शुड कीप दिस फॉरएवर। थैंक यू, जोरदार तालियां दोनों के लिए। नेक्स्ट सेगमेंट जनाब, हमारा दिल खोल के, और अगर दिल खोल के में आप जवाब नहीं देना चाहेंगे, यहाँ फॉलो नहीं करना चाहेंगे, तो ये आपके सामने मिठाई मौजूद है, खुल के खाएं इसको। एक मिठाई सेगमेंट ना करने पे एक मिठाई का पूरा टुकड़ा आपको खाना पड़ेगा। यू वुड लव दैट बट आई ऑल्सो नो कि ये वेट कॉन्शियस लोग हैं, कहाँ खाएंगे इतनी ज्यादा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। खा ले भाई, देखता जा रहा है, खा ले यार, पहले खा ले यार, ये मेरी सबसे फेवरेट है। तो इतनी सी क्यों उठाई है, ज्यादा खा ले यार, आगे पूरा शो है। इट्स नाइस, इट्स नाइस, ट्राई इट, इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस, ज्यादा मीठा भी नहीं है वैसे। चलो जी आगे बढ़ते हैं और ये सेगमेंट शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले कौन निकालेगा, एमन या मनीप। यू हैव टू आइदर परफॉर्म, आइदर यू हैव टू मिमिक देम, या उनके बारे में कुछ बताना है। आइए और मुझे वो इसलिए भी बहुत ज्यादा पसंद है कि शी इज वेरी वेरी इनटू हर फैमिली, किड्स, फैमिली, अम्मी अब्बू, सो आई लाइक हर सो मच। स्पेशल मैसेज फॉर आयजा, शी इज अ ब्रिलियंट वाइफ, ब्रिलियंट डॉटर, ब्रिलियंट एक्टर, यस,
आयशा जी के साथ जब भी मेरी बात होती है बच्चों के ऊपर फैमिली के ऊपर बड़ी फैमिली ओरिएंटेड बात होती है लाइक वन पर्सन को एक होता है ना कि आउट ऑफ नोवेयर एक मैसेज आता है कि हां जी क्या हाल है अमल कैसी है अमल ठीक है अमल के बारे में कुछ मतलब वो बिल्कुल जैसे आयशा दानिश लोग ऐसे जैसे हम लोग हम जैसे हम लोग है ना मतलब हमारे साथ बहुत ज्यादा कंपैटिबल दैट्स फैमिली दैट्स स्वीट हां जी नेक्स्ट निदा यासर निदा भाभी मैं बताऊंगी निदा भाभी चलो चलो तुम बताओ उनका तो बहुत फेमस है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान क्यों स्टार्ट करती है वो कहती है ना ऐसे आप हमारी फैमिली है निदा भाभी माइंड ना करें ना लेकिन आप हमारी फैमिली है और आपसे तो दूर हम रह नहीं सकते आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद शी इज सो स्वीट मैंने भी पूरी फिल्म उनके साथ की है मैं कहता हूँ इतनी पैशनेट प्रोड्यूसर और हर चीज में एक्टिव यार मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ एवरीथिंग दैट इज अराउंड हर उनको हर चीज का पता होता है Honestly, very, very mashallah intelligent. हाँ जी. आयशा सना, यार इनको से तो हम मिले ही नहीं है कभी. इसके तो बहुत normal है बस bright करे से वो एक video viral हुई थी that's it मैंने उसके कौन सी थी video क्या? वो ही जो कहते हैं अपना bright कैसे कौन है ये कौन है? I think this is claim to fame for Aisha Sana, right? है ना? नादिया खान अच्छा मैं आई यूज टू वॉच हर शो मॉर्निंग शो तो जब भी रोजाना किसी ने किसी की बर्थडे होती थी तो उनका एक स्पेशल सेगमेंट होता था हैप्पी टू यू ये बहुत ज्यादा हैप्पी टू यू बनाया ये नादिया ने था इस तरह एंड इट वाज वेरी फेमस जेस्चर लोग मैसेजेस करते थे हमारी आज बर्थडे आप प्लीज विश करें ये एक्शन करें बताती थी हैप्पी टू यू क्यूट ताहिर शाह तेरा फेवरेट है खुद तो बोलो था मेरा फेवरेट इंस्पिरेशन फॉर मुनीब बट कैसे रहते हो जी परफॉर्मेंस के लिए रेडी आई टू आई आंखें भी देखो आई टू आई स्माइलिंग आई नहीं योर आईज एंड माय आईज सेमर को गाना याद है यार अमेजिंग आईज ब्यूटीफुल आईज Cool, nice. Okay. Hi, Malisha. Hi, Malisha. Yeah, मैं politics में इतनी हूँ नहीं, लेकिन मुझे dates याद रहती हैं और इनको नहीं रहती. देखें ये जो मैंने आपको बात बताई है, इसके अंदर ये कि अभी जैसे 14th February आ रहा है. ईद मुबारक की जगह वो क्या कहते हैं? पाकिस्तान की आजादी आपको भी बहुत-बहुत मुबारक हो. और ये क्या देखें? 23 मार्च भी अभी गुजरा है. 23 मार्च में मैंने न्यू ईयर की पार्टी भी रखी थी अपने घर. आप आए नहीं एहसन भाई, आपने बहुत गलत किया. आप मुझे बताएं, आपने देखा है मेरे को उस वीडियो में? बिल्कुल देखा. नहीं, आप मेरे को बताएं, मैं हूँ उसमें? आप नहीं है? नहीं नहीं मैं नहीं. नहीं नहीं मैं जानता ही नहीं. ओके नेक्स्ट साहिद अहमद. साहिद भाई just like a brother. exactly. अच्छा जाहिद भाई normal जिंदगी में जाहिद भाई मिले सही है सब सेट ओके अब कैमरा लगा हुआ है जाहिद बट हसन हाउ आर यू ब्रो good to see you जाहिद गुड अच्छा ड्रामा चल रहा है तुम्हारा गुड आई थिंक दैट उसमें जो तुमने किया ना उससे निकलोगे उससे कुछ निकलेगा अच्छा कुछ आवाज भी चेंज करते जाहिद नहीं जाहिद भाई की जाहिद भाई की आवाज तो ऐसे ही है ना और फिर हम शो में बैठे हुए पड़ा बट बस मिलेगा अवार्ड तो नहीं मिलेगा बट अच्छा नहीं मिला अवार्ड कोई बात नहीं बट अगले साल मुझे बोल रहा था मिमिक्री होती रही मुझे बड़ी अच्छी कॉपी कर रहा है सबकी नाइस बट ये हम नहीं मुनीम का ओके देन मुनीम से निकल आएंगे साहिल लोधी नहीं रुक जाए इस बात पे जंग हो जाएगी मेरी आपकी इस बात पे हमारी जंग हो जाएगी देखिए नहीं 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 जंग हो जाएगी इस बात लड़ाई हो जाएगी अच्छा ऐसे करते साहिर ऐसे करता है हाँ ओके 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 कूल ठीक है नेक्स्ट परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस बाबरा शरीफ या नदीम साहब? परफॉर्मेंस बाबरा शरीफ, नदीम साहब. गाना चलेगा यार. मुनीब तो ऐसा अपनी शादी में तुमने ऐसा खुल के चलाओ जी, गाना चलाओ. यार वेरी नाइस, वेरी नाइस. प्लीज बैठिए. लेकिन मिठाई तो हमने खाई नहीं आपने. ओ यार मिठाई मिठाई ये अपने पास रख लेना यार, ये अपनी बेगम को भी खिला. बस बस ये ले. मैं तो मिठाई नहीं खाती. डाइट चल रही है. नहीं मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है. अच्छा जनाब, थैंक यू बोथ ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच हमारे शो का. ऑल्दो आई डोंट फील लाइक एंडिंग इट बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड हैविंग मोर फन. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम लगता है देन वी All open up, but then हमारा वक्त क्योंकि खत्म हो गया, शो खत्म करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू एमन. थैंक यू. एंड थैंक यू. एनीथिंग यू वांट टू से टू योर फैंस, आपके फैंस जो देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे जाने से पहले? फैंस को नहीं, मैं तो सबसे पहले आपका शो और आपकी पूरी टीम का बहुत ज्यादा एक एफर्ट नजर आया इस शो में. क्योंकि यूजुअली शोज के जिस तरह भी हम डिस्कस कर रहे थे कि सबा कमर महवेश शाह और आयशा खान में से रेट करें कौन नंबर वन कौन, वो चीज खत्म हुई और इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इट्स अ न्यू थिंग एंड आई कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस शो एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. ऐसा लग रहा है मैं होस्ट हूँ. अच्छा लग रहा था सुनने का, तारीफें सुनने में मजा आता है. और एक चीज जाने से पहले, क्योंकि मुनीब ने स्पेशली एमन के लिए मंगवाए हुए थे हमारे से कह के, तो हम चाहते हैं कि ये मैंने मंगवाए थे और ये पैसे मैंने दिए भाई. पैसे पैसे किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं कुछ नहीं. ये आप उनको देंगे और वो आपको देंगे. थैंक यू मुनीम. ये तो खैर मुझे वैसे ही फ्लावर्स बहुत पसंद है और मैं अक्सर मुनीम को कहती हूँ मुनीम ले आया करो बस. मैं तोड़ के ले आता हूँ बराबर वाले घर के. थैंक यू गाइस. और बहुत सी वेल विशेस आप दोनों के लिए. बहुत प्यार हम सबकी तरफ से, बहुत मोहब्बत तमाम पाकिस्तानी की तरफ से. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू. तो जनाब आ जाए, आ जाए, आ जाए यहाँ पे आ जाए. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. फीडबैक जरूर दीजिएगा. अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. देखते रहिएगा टाइम आउट विद एहसन खान. गुड बाय.